तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? लड़ लो, टाइम हो गया है 4:18, और आज जो हमेशा पूछते रहते हो ना, भैया दादा कहाँ है, दादा कहाँ है? भाई दादा से जूत ना बजा, 1.5 साल हो गए दादा की शक्ल देखे, आज देखिए कोरोना की वजह से दादा भी लुके हुए थे, मैं भी लुका हुआ था, कोई किसी के पास नहीं जा रहा था। रियलिटी है, दादा के घर में ऑलरेडी बुजुर्ग लोग हैं, तो दादा भी अवॉइड कर रहे थे कहीं भी ट्रैवल करना और घूमना फिरना। मैं तो अभी भी नहीं जाता, अभी भी नहीं जाते, बट दादा ने जिम्मेदारी दी है कहीं घूमने जाना है, बट कब जाएंगे ये अभी ये डिसाइड नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा से मैंने जिम्मेदारी इसको इसलिए दी है क्योंकि मुझे पता है इससे ज्यादा नॉलेज किसी के पास होगी नहीं, तो इसलिए ये जिम्मेदारी इसको। वो तो दादा का बड़प्पन है, तो भाई देखो दादा से 2-3 साल ना मिलूं तो दादा से जूत नहीं बजेगा। दादा से यार एज तो देख लो, दादा के साथ जूत बजाने वाला कहां है कोई, हम से इतने बड़े हैं यार। तो आज थोड़ा सा अलग है, आज हम दादा की जान लेके जा रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी केयर करेंगे इसकी थोड़े दिन। तो आप धूम वाली बाइक के थोड़े दिन के लिए केयर टेकर हम रहेंगे, अब धूम वाली बाइक यहाँ से लेके चलेंगे, तो दादा से देख लो। और भाई दादा ना एक बैंडित भी मतलब जीटी बेच रहे हैं, दादा के पास ऑलरेडी 4 बाइकें थी, एक जीटी जा चुकी है, बेनेली 300 भी बेच चुके हैं, सेल कर चुके हैं, बस एक जीटी हो रहा है क्योंकि दादा सिर्फ यही रखना चाहते हैं या फिर कुछ और लेंगे, तो ठीक है अभी तो बैंडित रहेगी, फिर जीटी सेल करना चाहते हैं। वो चलती ही नहीं, चलती यही नहीं, चलती कोई सी नहीं चलती, चलती तो वो उसका दादा के पास 4 गाड़ियां हैं भाई, और दादा बाइक तो तभी संडे वनडे राइड पे जाते हैं, और वो संडे राइड भी आजकल दिल्ली में बंद हो रही है, वो भी बंद है, नोएडा जाना होता है, इसलिए हम इसके थोड़े दिन के लिए केयर टेकर हो रहे हैं, हरियाणा में चला गया, हरियाणा में कोई दिक्कत नहीं, तो इसको लेके जा रहे हैं। और कौन सी लेके जा रहे हैं वो नए सब्सक्राइबर को नहीं पता होगा, बट पुराने को सबको पता होगा। तो जीटी लेनी हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दादा की इंस्टा आईडी से, तो बात कर लेना, दादा वैसे बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, ना दें तो बात अलग है, मेरे से ही बात कर लेना, बाकी फिर भी हम कर लेना मेरे हिसाब से, तो तू ही बात करी भाई। भाई देख मेरी चीज़ नहीं है ना, फिर भी मैं ट्राई करूँगा। ठीक है दादा, ये घुसाया मोबाइल लगाऊं, मेरे को तो रास्ता पता है, पता है। इसको तो बोल दूं, जीते चला लेगा, मेरे पीछे पीछे रह लेगा वो भाई, तू दबा ले और काट ना पाए फिर, उसके पास मेरी लाइव लोकेशन है। ठीक है दादा, ओके लव यू, फॉलो मी। भाई मैं उसी रोड से जा रहा हूँ जिसमें जब मैं 1-1.5 साल पहले इस बैंडित को लेके जा रहा था, और मेरा कटा था चलान भाई, बढ़िया वाला मेरे को वो चलान पड़ा 2,250 रुपये का, थोड़ी आराम से चलानी पड़ेगी, कहीं गड्ढे वड्ढे में कुदा दे वो, क्योंकि गड्ढे बहुत हैं, उसका पता नहीं लगेगा, उसके लिए नई रोड है ये।
एक बार अपने हिसार रोड पे चढ़ने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ दिल्ली वाले ठुल्लों से डर लगता है मुझे। लेकिन आज थोड़ा सा अलग हूँ मैं, आज मैं रुकूंगा नहीं भाई। मेरा जब भी रुका हूँ चलान कटा है, रुकूंगा ही नहीं, लोग रुकते नहीं है। मेरी बाइक पे नहीं कटते बट दूसरों की बाइक पे जरूर चलान कटते मेरे। तो फाइनली पहुंच गया भाई एचआर जंक्शन, ये रहा छोटी टांगा वाला, बहुत छोटी टांगा वाला ने लको लको ले आया, कहते पुलिस वाला को कर ले क्योंकि इसके ऊपर चलान कटना था आज। किसके? मेरे ऊपर नहीं चलूंगा। तेरा बात ऐसी है, बात ऐसी है, देखो मैंने इसको बोला भादुरगढ़ आओ, क्यों आए, चलान हुआ तो मैं पे करूंगा। वो तो है यो, छोटी टांगा वाला ट्रीट दे रहा, तू दे रहा है, इसने बुलाया तो यो ही देगा भाई, पार्टी दे रहा है बर्थडे की, पेंडिंग थी देगा भाई। अच्छा, मैंने गोबर सा खा गया था, तो गोबर खवाया है ये डंकी ऊपर की डाला खा गया था। सकल बना सकल जल्दी। अरे पब्लिक में नहीं नहीं नहीं, हम इसार में बनाएंगे, राठी राठी के घर में बनाएंगे। पब्लिक पब्लिक दुनिया, पब्लिक तो यार पूरी दुनिया देखे, वो ठीक से तो आड़े ना कराओ ना, आड़े तो कुछ इज्जत है उड़े तो। अरे जो करिए ठीक है छोटे टांगों वाले, पिज्जा की ट्रीट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेट्रो स्टेशन के नीचे रेव करनी है। अच्छा सर जी, गौरव आज डर गया ये बाइक चला के, बिकॉज यार 100 सीसी से एकदम से 1200 सीसी पे बैठना बहुत अलग चीज़ हो जाती है, बहुत ही डिफरेंट हो जाती है। वैसे मैंने उसको चलाने से पहले वॉर्न कर दिया था कि थोड़ा सा आराम से, बिकॉज बहुत गंदी पावर है, गंदी मतलब बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पावर है। तो उसने थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके देखा था, वो बोला भैया मेरे से तो ज़्यादा भागी भी नहीं, मेरा डर, मेरे को डर लग रहा था। सीधी सी बात है यार, इतनी तेज़ पावर पे एकदम से बैठोगे तो डर तो लगेगा ही। और अपने तो भाई साहब BMW बूसा बैंडेड 10R सब चला रखे, अपने को नहीं लगता डर, अपने को लगता है लोगों से डर, कहीं कोई आ जाए कुत्ता आ जाए उनसे डर लगता है, भगाने और चलाने में आप कंफर्टेबल हैं पूरे। भाई पहुंच गए फौजी ढाबे पे, एक बार शक्ल बना दे छोरे। जय हिंद दोस्तों। वाह नहीं बनाई फिलहाल, यहाँ पे मंगवाई है रोहतक की स्पेशल चाय। क्यों फौजी साहब? ये हमारे फौजी साहब कहते एक नंबर के, चमचमाते यही मिलेंगे, सोना अगर नहीं चमके जाए ना, सोना नहीं सो गलती होगी, हीरा हीरा है तुम्हारा। फिलहाल दो चाय पियेंगे रोहतक की स्पेशल कड़क चाय और फिर चलते हैं। क्यों फौजी साहब? बिल्कुल, आज फौजी साहब की तनख्वाह काटी थी 2 दिन की, लेट रखे रखे आज। आपको कैसा लगा फ्लाई भाई? भाई साहब देखो हम बैठे हैं उल्टो में, बात उल्टो की नहीं है, बात ये ना भाई लड़का साइड से इतना तेज निकल रहा है, इसको देख के मेरी रूह कांप जा रही है कि भाई रू बार मत काटिए, रू अंदर ही रखिए। भौकाल भाई साहब, ये बाइक तो भौकाल है, बाइक अच्छी है लेकिन प्लैटिना वाली बात को नहीं, हां प्लैटिना वाली यार, तो मैंने कह रहा था। लो भाई चाय ली पी, चलते हैं अब। अभी यहाँ से घर होगा 120 या 10 किलोमीटर गौरव देसवाल हमारी सुपर कार में। भाई फाइनली पहुँच गए भाई यार, मतलब यार अल्टीमेट वाले रिएक्शन होने वाले हैं, जहाँ ये बाइक आई है ना जिस इलाके में आई है, मतलब यहाँ पे ऐसी कोई दूसरी बाइक नहीं है, सिर्फ यही है, एक G900 है, वो भी अपने सब्सक्राइबर लाडले हैं भाई, वो भी मतलब धुआं धावट करते रहते हैं, बट इसकी जो लुक है ना और जो इसका बॉ वो साउंड है भाई साहब, कोई डरेगा कोई उछलेगा किसी का मुंह फटाफटा रह जाएगा, मतलब अलग ही लेवल के रिएक्शन होने वाले इस बाइक के। देखते हैं अब क्या क्या रिएक्शन ले पाएंगे, फिलहाल तो अभी जाएंगे सीधा पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल पंप पे इसकी हवा चेक करूंगा मैं, बिकॉज मुझे हवा ठीक नहीं लग रही, बिकॉज मैंने रास्ते में हवा तो फुल कराई थी, 25 पौंड हवा थी अगले वाले टायर में, बहुत ज़्यादा मतलब ये लगा लो हार्ड चल रहा था,
अभी ठीक चल रहा है, मैंने 32 करवाई थी और मैंने नेट पे जब चेक किया तो इसकी मतलब टायर प्रेशर बता रखा है 36 आगे वाले में और 36 पीछे वाले में, तो आगे मैं 34 कर दूंगा और पीछे 36 रख दूंगा ताकि आगे जो टायर की कंडीशन है वो थोड़ी सी घिसी हुई है, मैं नहीं चाहता ये बाइक स्किड कर जाए, तो थोड़ी सी आगे वाले टायर में 2 पाउंड कम करेंगे हम और पीछे वाले में 36 रखेंगे, बाकी सब ठीक है। पर डे मैं सोच रहा हूँ हर दिन एक वीडियो ना बने और हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने ये बताना है कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनानी है। रिएक्शन पे टॉप स्पीड तो मैं नहीं करूँगा बट फर्स्ट गियर चैलेंज ले सकते हैं, मतलब अलग अलग तरीके की वीडियो बना सकते हैं, बट आपको कमेंट में सजेस्ट करना पड़ेगा मुझे अब क्या बनाना है, अब क्या बनाना है, ठीक है। फाइनली घर पहुँचने वाले हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट। और आप बताना भाई कि अगली वीडियो किस चीज़ पे चाहिए, आपको रिएक्शन चाहिए या फिर फर्स्ट गियर चैलेंज चाहिए या फिर बाइक की डिटेल चाहिए, मतलब जो आप कहोगे वो बना देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओ फिर रहेगा पाछा।